माय न्यू ब्लॉग। और आज हो गया आपका सैटरडे और सुबह सुबह सूत उठ के अभी टाइम हुआ 7 बज रहे हैं सुबह के। और सुबह सुबह डुग्गू चाय लेके आ गया हम लोग के लिए। ये देखिए चाय, ब्लैक टी, उधर मम्मी के लिए भी। हाँ गुड मॉर्निंग बोल दो ब्लॉग में। दादी पूजा कर रही है, बाबा पानी भर रहे हैं। दादी पूजा कर रही है, बाबा पानी भर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आज डुगू चाय बनाया है सबके लिए। नहीं क्या मनी प्लांट में? तो गाइस डुगू मनी प्लांट को ले लिया है, अभी जा रहा है। इसमें थोड़ा वाटरिंग करेगा, हल्का पानी दोगे, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ हल्का पानी देके फिर उसको लेके आ जाओ घर पे। तो गाइस ये थोड़ा वाटरिंग करने जा रहा है, फिर हम चलेंगे। नीम का प्लांट जो लाए हुए हैं उसको भी थोड़ा सा आज ड्रेसिंग कर देंगे, देखते हैं क्या हाल है उसका। जाओ पानी, हल्का पानी दोगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ इसमें भी पानी दे दो, इन सब पेड़ में भी थोड़ा थोड़ा पानी दे दो। तुम पूजा नहीं करेगा तो हम फूल लेके चले जाएं? हमको तो बोला जो डुगू पूजा करता है इसलिए हम फूल दिए। तो गाइस ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो जाके इसको प्लांट करेंगे, दूसरे मतलब रिपोर्ट करेंगे। अभी जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। देखिए डुगू देख कितना तेज कल चला रहा है, तोड़ देगा। रे धीरे चला। मेरा बेटा मेरे जैसे हुआ है, उसको भी प्यार पौधे से बहुत प्यार है। ये टोटो मैदान जाने के लिए छटपटाया हुआ है, तब से मेरे को परेशान कर दिया। मैदान जाएगा, मैदान जाएगा। ये मम्मी पूजा कर रही है और वाइफ खाना बना रही है। मम्मी रात में 12 बजे पूजा करके आई है। क्या पामसू पहन लोगे? हाँ पहन लो पामसू। मैदान नहीं जाऊंगा, मुंह सीधा कर। नहीं मैदान नहीं जाएंगे। क्या करोगे? चलो पैदल चलो, तो गाड़ी चाहिए क्या सुबह सुबह? जाना जा उधर, कालू है जा। गाइस चलते हैं, डुगू को थोड़ा मैदान से घुमा के लेके आते हैं, कुत्ते को बिस्कुट खिला देते हैं, फिर आके अपने ऑफिस का तैयारी करेंगे। समय चलेगा, खाली उसका नौटंकी देखते रहिएगा। देखा गिर गया ना? छी छी वो देख कौन बैठा हुआ, देख ये देख कौन बैठा हुआ है। वो तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसको बिस्कुट खिला देते हैं, आजा। मांगो बिस्कुट मांगो। तो गाइस ये आ गया है बिस्किट खाने के लिए, और इससे पहले डुगू आ गया दुकान पे खड़ा हो गया। इसको भी अब कुछ चाहिए, पॉपकॉर्न सुबह सुबह नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, तो गाइस इसको बिस्किट खिला देते हैं, देखते डुगू क्या लेता है। ये बिस्किट ले लिए हैं गाइस, ये एक एक लेके जा रहा है, बैठ के वहाँ पे खा रहा है। ये देखिए डुगू बोल रहा है मैदान जाने के लिए, बट मैदान अभी इतना तेज धूप निकल गया है, मैदान जाने लायक नहीं है। अब क्या लोगे तुम? डुगू पॉपकॉर्न लेगा। एक पॉपकॉर्न दे दे भाई, दोनों पॉपकॉर्न ही दे दे, वो भी पॉपकॉर्न खा ले। पूरा खा लिया। एक बार में एक तो बोलो ना, दो तो करके क्या? एक तो क्रैक्स ले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्रैक्स ले। ठीक है, आपको उस दिन मिलाया था तो उनसे, तो वो स्टॉक ब्रोकर है तो उनसे थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता कर रहा था कि हम भी अगर इन्वेस्ट करें तो कितना करें, क्या करें, नहीं करें। हम बोले उतना तो औकात है नहीं, तो 5-7 हज़ार रुपये कर सकते। बोले मिनिमम 10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, भाई उनसे बात करने लग गए थे। और ये मेरे पीछे डोडो, डोडो को क्या मिला है, क्या मिला है? ये देखिए क्या मिला है, क्ले मिला है। तो अभी ये उसी से खेल रहा है। डोंट रन। मंदिर है ना वहाँ पे? मंदिर ये नहीं है ये। तो चलते हैं गाइस अब। और ये देखिए, ये देखिए दीवार पे दिख रहा आपको, ये देखिए। तो इसके लिए भी बिस्किट लाए हैं, आ जाओ। डुगू का हाल देखिए, डुगू का हाल देखिए। डुगू डुगू ये रहा, डुगू ये रहा, डुगू।
अरे नहीं चर्पेगा, डरता क्यों है? देखा लो तो गाइस, इसको बिस्किट दे दिए और चलते हैं अपना काम करते हैं, ऑफिस के लिए निकलेंगे। 9:15 ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, नाश्ता अभी तक किए नहीं है, नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। और आज कोई बोल भी नहीं पाएगा, अगर मैं 9:20 में निकलता हूँ तो मुझे 40 मिनट लगता है ऑफिस पहुँचने में, तो एग्जैक्ट 10 ऑफिस पहुँच जाएंगे। तो भैया लोग भी कोई कुछ बोल नहीं पाएंगे। और आज शनिवार है, 3 छुट्टी हो जाता है, और डुगू को आज कराटे क्लास भी मेरे को ही लेके जाना पड़ेगा, तो मम्मी नहीं जाएगी। तो चलते हैं गाइस, आपसे मिलते हैं ऑफिस ब्लॉग में, देखते हैं क्या क्या काम मिलता है आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिस ब्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह 10:10 टाइम हुआ है और हम ऑफिस पहुंच गए हैं, और भैया लोग कोई आए नहीं अभी तक। मृणाल कल रात में अपना बैग ट्रेन में भूल गया था, तो बोला कि भाई 10 लेट होगा आने में, तो वो हमको बोला कि तुम सर को थोड़ा बोल देना कि हमको आने में लेट होगा, हम ट्रेन रात में बैग ट्रेन में बैग भूल गए थे। हम बोले तो उसमें डरने का क्या, सर को फ़ोन करके बोल देना। तो सर को शायद फ़ोन करके बोल दिया है, तो वो 10-15 लेट से आएगा, भुलक्कर ऐसे ही है ही वो। चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी बज रहे 2:30 और हम खाने के लिए आ गए, लंच करने के लिए। आज शनिवार है, 3 छुट्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आके पता चला कि आज हम लंच लाए ही नहीं है, तो बैग में मूढ़ी का डब्बा पड़ा हुआ था, यही खाने लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो इसीलिए हम मूढ़ी का डब्बा रखते हैं ताकि कभी भी कुछ हो ऊँच नीच तो साथ में कुछ रहे खाने के लिए, पेट तो एटलीस्ट भरा रहेगा। तो गाइस मूढ़ी खा लेते हैं, खा के फिर 3 का तो छुट्टी होगा, फिर घर चलेंगे। गाइस आज के लिए ऑफिस ब्लॉग में इतना ही, आज कोई काम वाम था नहीं, ऑफिस बैठ के ही दिन भर पार हो गया। बंगाली बाबू भी ऑफिस में ही बैठे हुए थे, ये हमारे पुराने ऑफिस गए थे बट कोई काम हुआ नहीं। मृणाल नीचे भाग गया पहले, तो अब घर चलते हैं, डुगू को कराटे क्लास लेके जाना है। पहुँच गए हैं, अब टाइम देख सकते हैं 4 है, और डुगू मैं गन्ने का रस लेके आया डुगू के लिए, रास्ते में खड़ा होकर गन्ने का रस बनाया, और गधा घुटी उड़ा रहा है बाहर में। चलिए आपको भी दिखाते हैं, उसको उठा के लेके आया गाड़ी पे, लेकिन फिर भी नहीं आया, फिर भाग गया। और वाइफ का तबीयत ख़राब हो गया, उसको सडनली अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, तो देखते जैसा जो होता है। अभी लंच भी नहीं किए थे, ऑफिस में टिफिन लेके गए तो लंच कर लेते हैं। इसके लिए गन्ने का रस लाए, बोल रहा बहुत मीठा है, मैं नहीं पीऊँगा। अरे तो गन्ने का रस मीठा ही होता है बेटू, बहुत मीठा ही होता है। नहीं बाहर नहीं जाओगे, कराटे क्लास जाना है अभी। कराटे क्लास कैंसिल है। कैंसिल है क्यों?